शासकीय अस्पताल में तीन तीन ब्रेसर होने के बाद भी वार्ड बॉय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों से टाके लगाने और ब्रेसिंग का कारण लिया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ वार्ड बॉय ने अपने घर के आगे डॉक्टर का बोर्ड भी लगा रखा है। वहीं सूत्रों की माने तो ब्रेसर प्रसूति सहायता जैसी अन्य योजनाओं में मरीजों से एवं उनके हितग्राहियों से पैसा वसूलो भी कर रहा है। इसके साथ ही पिछले वित्त वर्ष में सरकारी अस्पताल में पदस्थ एक कर्मचारी द्वारा संबल योजना में अपात्र होते हुए लाभ लिया गया, जिसकी शिकायत भी की गई, जिस पर जांच के बाद भी मामले को रफा दफा कर दिया गया, जबकि इस जांच में दोषी व्यक्ति भी सामने आ गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने सूत्रों के हवाले से मिली इस खबर की जांच करना चाही तो इसके बाद कई मरीजों के परिजनों ने बताया कि यह बात तो सच है, योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें बकायदा पैसे दिए जाते हैं। वहीं कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें योजनाओं की जानकारी के अभाव में कोई पैसा भी नहीं मिला है। हालांकि कई लोगों ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन हमारे खुफिया कैमरे में उन सभी की बातें सुरक्षित हो गई हैं। वहीं कुछ मरीजों के रिश्तेदारों से पता लगा कि उन्होंने इन योजनाओं का लाभ न मिलने के चलते शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। वहीं अधिकारियों से बात करने पर सभी कैमरे से कतराते हुए नजर आए। हमारी वो जैसे डिलीवरी हुई थी ना, उसकी वो माने मिलती है क्या मच्छरदानी, वो नहीं आई डिलीवरी के बाद। अच्छा, और क्या गांव में लेटरिंग बन गई तो ज्यादातर मच्छर हो गए पैदा। अच्छा, तो कम से कम बच्चे की सुरक्षा और माँ की सुरक्षा के लाने मिलना चाहिए अस्पताल से। अच्छा, 500 रुपया लाया मैडम ने सुनिया तो बेटा हमें पैसा मिले ने देला मिले। और कितने रुपये मांगे थे? केवल 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 500 रुपये मांगे थे। अब चंपा भाई जा कह रही है 5000 रुपया में लगेगा खेलन है वो का नाम है खेलन में जानवन को हाँ खेलन है वो तो 16000 रुपया नकला दम भाई 5000 रुपया हाँ जब नकला के दे भाव न कचु खाओ न पियो बेटा हम गरीब आम दिएगी। अच्छा भैया जा क्या था हमारे सकात मत कर दे ने हम मच्छरदानी मिली बेटा और कोई सकात नहीं सुना हमारी हम गरीब लोग है बेटा। चलिए अम्मा कितने महीने हुए डिलीवरी? 5 महीने तो आपके 1400 रुपये आ गए टीकाकरण के और 14000 रुपये आए कि नहीं आए? क्यों नहीं आए? 4000 रुपये 2 दिन पहले दिए थे तो मतलब फिर भी नहीं आया अभी तक चला ना आ रहे 2 दिन पहले फिर भी 14000 रुपये नहीं डाले नहीं डाले ये मतलब अस्पतालों में रहता मतलब पैसे आपके निकलवाते जानकारी नहीं करता। अच्छा, आर ओन से ग्राउंड रिपोर्टर चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट।